नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT 5G वर्सेस Xiaomi Mi 10T Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT 5G में 6.24 इंच जबकि Mi 10T Pro में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो GT 5G में 2.89 इंच जबकि Mi 10T Pro में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो GT 5G में 0.33 इंच जबकि Mi 10T Pro में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि GT 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो GT 5G में 186 ग्राम जबकि Mi 10T Pro में 218 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि GT 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो GT 5G में सुपर AMOLED जबकि Mi 10T Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT 5G में 6.43 इंचेस जबकि Mi 10T Pro में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT 5G में 85.92% जबकि Mi 10T Pro में 85.15% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Mi 10T Pro में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 10T Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Mi 10T Pro की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Mi 10T Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 10 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT 5G में Adreno 660 जबकि Mi 10T Pro में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT 5G में Qualcomm Snapdragon 888 और Mi 10T Pro में Qualcomm Snapdragon 865 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो GT 5G में Android V11 जबकि Mi 10T Pro में Android V10Q देखने को मिलती है। बैटरी GT 5G में 4500 mAh जबकि Mi 10T Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT 5G की 37,999 रुपीस जबकि Mi 10T Pro की 34,930 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT 5G में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 10T Pro
कि तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में GT5G आगे है, मेन कैमरा में Mi 10T Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT5G आगे है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ7 है जो कि 31,990 रुपए में मिलता है, दूसरा Oppo Reno 6 है जो कि 31,890 रुपए में मिलता है, तीसरा Vivo EQ7 है जो कि 35,990 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ7 Legend है जो कि 39,990 रुपीज में मिलता है, और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।